मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज गए 6। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आपकी मॉर्निंग भी बहुत बहुत अच्छी होगी। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी मॉर्निंग भी बहुत अच्छी हो। और ये देखिए, दुष्यंत वैसे तो सो रहा है लेकिन जगा हुआ है, रजाई के अंदर ही है। गुड मॉर्निंग कर दुष्यंत। गुड मॉर्निंग। और अभी ये लेगा फ़ोन, फ़ोन देखेगा थोड़ी देर में, दूध निकाल के लेके आऊँगी। सबसे पहले चलाऊँगी आग। और वो चले गए खेत चाय पी के, मैंने चाय बना दी थी, ये कप रखी हुई है। सबसे पहले खोलूंगी मैं मंदिर। बोला इसमें से निकालूंगी मैं राख। अंधेरा हो रखा है, दिखाई तो कुछ दे रहा नहीं है। ये देखिए आग मैंने जला दी है, पानी गर्म हो जाएगा, दूध निकाल के ले आऊंगी। तब तक थोड़ी सी लगा दूंगी झाड़ू ताकि बासी भारी ना रहे। उसके बाद मैं बांधूंगी गाय और भैंस को बाहर और दूध निकाल के ले, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा, दिखाई तो कुछ देगा नहीं और इतनी देर दूसरे देखेगा फोन। और ये देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया, अब करूँगी बर्तन साफ। और ये देखिए धूप निकल आई है, कितनी प्यारी सी धूप है, सूरज देवता के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह की धूप है, लेनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लगाने के बाद ये रखे हैं चाय के बर्तन और दूध की बाल्टी, अब इनको करूँगी साफ, फिर और काम देखेंगे। मॉर्निंग मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। कौन सी सुन मार को दाओ है? ये देखिए घर का काम करके हम खेत में आ गए हैं। ये है हमारी सरसों, इसको इस पे इसके ऊपर बर्फ जम गई तो इससे नुकसान हो गया पूरा। ये देखिए कितनी सरसों थी, यही एक आधार था और इसका ये नुकसान हो गया, पता नहीं क्या होगा अब। ये देखिए कहते कैसे अलसाई हुई है, मुरझा गई है एकदम से। ये जो यहाँ पे लाइन चली थी इसी के अंदर जैसे ही पानी गिरा वैसे ही यहाँ पे बर्फ जम गई। सुबह 5 बजे लाइन चली थी, वो ऐसी की ऐसी जम गई। इतनी सरसों है, क्या करेंगे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। यही एक आधार था और यही ऐसी हो गई तो क्या होगा अब। ये देखिए आपको लाइन पूरी दिखाई दे रही होगी, इस पे सारी पे बर्फ जम गई थी सुबह सुबह। दूर आती है तब तो बर्फ नहीं जमती, 2 दिन से दूर नहीं आई है तो बर्फ जमने लगी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा किसानों का। किसान की कहीं भी जुआरी नहीं है। ठीक रहे, एक लाइन लगा दी गई।